नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल स्वेट फैशन पे वेलकम है आज जिस थिंकर को मैं पढ़ाने जा रही हूँ है, वो है क्लिफर्ड गिड्स नेट के भी सिलेबस में क्लिफर्ड गिट्स को हम पढ़ते हैं तो और कई जगह पे डीयू के सिलेबस में भी क्लिफर्ड गिट्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो कई एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है एंड सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन में हम इन्हें पढ़ते हैं तो चलिए आज ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लिफर्ड गिट्स अगेन थिंकर मैं लेकर के चल रही हूँ अगर क्लिफर्ड गिट्स का देखा जाए टेन्योर तो 1926 से 2006 के बीच में क्लिफर्ड गिट्स का रहा है एक टेन्योर अभी हाल में ही इनका देहावसान हो गया सोशियोलॉजी में uh, 2000 के बाद को हम हाल में ही कह सकते हैं ओके बेसिकली ही वाज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रेन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड हु आफ्टर टीचिंग फॉर अ सेवरल ईयर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सर्व्ड एज अ प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस्ड स्टडी इन प्रिंसटोन न्यू जर्सी तो यहाँ पर इनका अध्ययन अध्यापन होता है यहीं पर एज अ प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन न्यू जर्सी में uh, इनका मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ था ये यह बेसिकली यहीं पर रहा है द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ मिड ट्वेंटी सेंचुरी टू डेवलप अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजन ठीक है रिलीजन पे तो बहुत काम हुए हैं और दर खाइम को सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन का ऐसे कहा जाए तो फाउंडर ही माना जाता है दर खाइम के पहले भी सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ और बाद में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता चला तो क्लिफर्ड गिट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में देखा गया और इनका जो फील्ड वर्क है बेसिकली इन्होंने जहाँ स्टडी किया वो बाली जावा एंड सुमात्रा ये सब जो है वो आ, इंडोनेशिया में आप जानते हैं आता है और अगर इनकी आइडियोलॉजी देखा जाए तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में इनका विविध व्याख्यात्मक या विवेचनात्मक समाजशास्त्र आप मान सकते हैं तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में ही इनका इनकी जो मेथोडोलॉजी रही वो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी जब हम मैक्स वेवर को पढ़े थे तो भी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी आपको याद होगा इंटरप्रिटेटिव क्या होता है मैंने यहाँ पर एक चर्चा की है कि द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट कंसेंट्रेट ऑन द मीनिंग पीपल एसोसिएट टू देयर सोशल वर्ल्ड कि व्यक्ति अपने सामाजिक दुनिया में क्या मीनिंग अटैच करता है इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी को हम इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में हम इस चीज को देखते हैं कि जब भी हम सोसाइटी में आते हैं ना तो किसी भी चीज से रिलेटेड हम मीनिंग अटैच करते हैं जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग आप देख रहे हो वही मैं भी फील कर रही हूं है ना अलग-अलग है और अलग-अलग सोचने का समझने का तरीका भी आप जानते हैं कि क्यों अलग होता है हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है इसकी वजह से हमारा कल्चर अलग है हमारा सोशललाइजेशन अलग हुआ है तो सब कुछ जब अलग हुआ है तो हम सोचेंगे एक जैसा कैसे तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के फादर जो माने जाते हैं वो मैक्स वेबर माने जाते हैं मैक्स वेबर ने भी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे जो स्टडी की है वो बेसिकली इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी जो है उसी का मेथड लेकर के ये चले हैं ठीक है ठीके? तो इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी में हम देख सकते हैं कि में विक्टर टर्नर ने काम किया है ये फॉरेस्ट ऑफ सिंबल को मान देखे हैं मैरी डॉगलस ने प्यूरिटी एंड डेंजर पे बात की है मैं एक छोटा सा लिस्ट इसलिए बनाई हूं कि कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है जरूरी नहीं है कि गिट से पूछे उनसे रिलेटेड ये लोग का भी पूछा सकता है कि इनका काम कहाँ पर हुआ है इसी तरह शेरे ओटनर ने की सिंबल्स पे काम किया है एरिक वॉल्फ में द वर्जिन ऑफ गॉडल जो है उसपे काम किया है एंड क्लिफर्ड गिट्स ने द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर स्पेशली रिलीजन एज अ कल्चर सिस्टम एंड डीप प्ले इस पे पूरी तरह से इन, इनका काम रहा है आगे हम देखते हैं कि इन सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी टू वेज ऑफ स्टडिंग सिम्बल अगर सिंबॉलिक uh, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें मतलब आप जानते ना आपने पढ़ा है मेलेनोवस्की को रेडक्लिफ ब्राउन को तो ये लोगों ने क्या किया ये सिंबल्स का स्टडी करने की कोशिश की कि कोई सिंबल क्या आखिर दर्शा रहा है तो जब जब भी सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी होता है तो हम दो तरह से स्टडी करते हैं एक बेसिकली स्ट्रक्चरल और दूसरा इंटरप्रिटेटिव स्ट्रक्चरल में हम देखते हैं कि एनालाइज बेसिक अंडरलाइन यूनिट्स ऑफ मीनिंग स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग यूनिट्स हैं ना आज आंखें हैं नाक है कान है गला है अलग अलग यूनिट्स हैं और सब यूनिट अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उसी तरह सोसाइटी होती है सोसाइटी में अलग अलग यूनिट्स होते हैं लाइक इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम ये सब यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स सोसाइटी uh, के स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए उसी तरह कल्चर जो है हमारे जो कल्चर है वो भी अलग अलग यूनिट से बना हुआ है मिल करके तो जो बेसिकली जो सारी यूनिट्स हैं वो कोई ना कोई मीनिंग उसमें कोई ना कोई मीनिंग अटैच है ठीक है लेविस लेविस्ट्रॉस ने इसमें बात की कि द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ एंड इसी तरह निधम जो है वो प्राइमरी फैक्टर्स की बात करते हैं ठीक है ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने नोट किया है कि आपका कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए जो दूसरा सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है वो है इंटरप्रिटेटिव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सिंबल्स मीन टू पीपल, ठीक है कि जो भी सिंबल है मतलब कल्चर के जो भी सिंबल है उस सिंबल का डीप मीनिंग क्या है ठीक है कुछ चीजें हमें ऊपरी ऊपरी तौर पे दिखती हैं बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो चीज वैसी नहीं दिखती है ना वो चीज वैसी नहीं होती है तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है जो इंटरप्रिटेटिव मेथडोलॉजी को यूज कर रहा है उसका काम है कि उस पर्टिकुलर सिंबल से जो डीप मीनिंग जुड़ा हुआ है एक गहराई के साथ जो अर्थ जुड़ा हुआ है उसको खोज निकालना ठीक है तो अभी हम लोगों ने समझा कि गिट्स का एक हल्का सा लाइफ स्केच देखा फिर हम लोगों ने समझा कि इंटरप्रिटेटिव uh, जो सोशोलॉजी और इंटरप्रिटेटिव जो एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या है बेसिकली फिर अगेन हम गिट्स पे आते हैं तो ही इज वेल नोन फॉर मूविंग अवे फ्रॉम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना एज वॉजे प्रोमोटेड बाय एमाइल डरकाइम एंड लेटर ए आर ब्राउन एंड इंट्रोड्यूसिंग अ मोर मेटामोकल

और क्लिफर्ड गिट्स ने जो बोला वो बोला लिटरेरी एंटरप्राइजेस ठीक है ये वर्ड क्लिफर्ड गिट्स ने यूज किया लिटरेरी एंटरप्राइजेस मतलब कि जो हम एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को लिटरली एंटरप्राइजेस कहा और मतलब क्या हुआ बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन स्टडीज करते हैं ना एक बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता, होता है और एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता है उसमें आप अगर जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें बेसिकली आप कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है हम ये सब देखने का प्रयास करते हैं और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली जो ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं या जो हमारे प्रिमिटिव कल्चर है उनके Uh, उनका लाइफ स्टाइल क्या था उनके रहने का तरीका क्या था उनका कल्चर क्या फैमिली सिस्टम क्या या कोई भी कल्चर क्या डिनोट शो कर रहा है ये सारी चीज़ हम कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं तो इन्होंने बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को लिटररी एंटरप्राइजेस कहा दैट मीन्स कि एंथ्रोपोलॉजी की बहुत हद तक सिमिलैरिटी जो होती है वो लिटरेचर से हिस्ट्री से एंड फ़िलासफी से होता है मतलब इन तीन विषयों विषयों का Uh, जो एक एमलगमेशन है वो आपको मिलेगा एंथ्रोपोलजी में एंड ऑथर ऑफ ट्वेल्व बुक्स देखिए इनका जो गिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये इन्होंने बारह किताबें लिखी हैं एडिटर एंड को एडिटर इन मैनी अदर बुक्स एंड आपको पहले ही मैंने बताया कि इनका फील्ड एरिया क्या था जो जावा बाली सेलेबे जो इंडोनेशिया के सुमात्रा ये सब जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर इनकी स्टडी है और इन्होंने इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं वो कौन कौन सी है द रिलीजन ऑफ जावा इस्लाम ऑब्जर्व्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर लोकल नॉलेज ठीक है ये सब इनकी बेसिकली बुक है देखिए अभी कल ही परसों नेट का एग्जाम हुआ है और उसमें क्रोनोलॉजिकली पूछ दिया है कि मार्क्स के बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए ये हम लोग हम लोग के टाइम पे जब हम लोग एग्जाम देते थे तो इस तरह से क्वेश्चन आते थे बीच में ये ट्रेंड कम हो गया था अगेन ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो अब एग्जाम का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है कि द रिलीजन ऑफ जावा 1960 में बुक आई इस्लाम ऑब्जर्व 1968 में आई द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी वो है 1973 की एंड द लोकल नॉलेज 1983 में ये बुक आई क्या मालूम इनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ही दिया जाए आगे बढ़ते हैं इज़ फॉर इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी को उन्होंने एडॉप्ट किया था अकॉर्डिंग टू विच द मेजर टास्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज टू मेक सेंस ऑफ कल्चरल सिस्टम जो हमारा कल्चरल सिस्टम है ना जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह से है ये सिस्टम बनता कैसे अलग अलग यूनिट से मिलकर के तो उसका सेंस समझना ठीक है जैसे बहुत सारे कल्चर का हम मतलब नहीं समझ पाते हैं और हम फॉलो करते आप एकदम हंड्रेड परसेंट मान के चलिए कि जिन भी कल्चर्स को हम फॉलो करते हैं ना वो यूं ही नहीं करते हैं उनका अपना कोई ना कोई सेंस जरूर होता है कोई भी आप कोई भी फेस्टिवल आ, सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई भी कल्चर को आप बना रहे हैं, कोई भी रिचुअल्स कर रहे हैं ना तो उसका अपना कोई ना कोई सेंस जरूर होता है तो इस सेंस को समझना जो है वो इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का विषय है ही हैज अप्लाइड हिज अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी सच एज किनशिप आइडियोलॉजी मोड्स ऑफ लाइवलीहुड सोशल चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बट ही इज बेस्ट नोन फॉर हिस्स फोकसिंग ऑन द मीनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल एंड फॉर एक्सिस्टें एक्सटेंसिव एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ रिलीजन इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ठीक है इन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया किनशिप में काम किया आइडियोलॉजी को देखा मोड्स ऑफ लाइवलीहुड जो अलग अलग कल्चर में होते हैं उनको देखने की तला कोशिश की सोशल चेंज पे काम किया बट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यही है उनका कि किस तरह से जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं वो क्या अर्थ को धारित करते हैं वो क्या मीनिंग उनके पीछे होता है उसको जानने की कोशिश की और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में स्टडी की है है ना ये ध्यान रखिएगा इससे पहले जिन लोगों ने स्टडी की थी वो प्रिमेटिव सोसाइटी में जा करके या जो सिंपल सोसाइटी होती थी वहां जाकर के स्टडी किया है इन्होंने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में स्टडी की है ठीक है गिट्स ओपन हिज Essay uh, Religion as a Culture System with an observation that the anthropological study of religion is in fact in a state of general stagnation. To explain this, he makes a distinction a distinction between the anthropological works on religion that were done before and after the First World War and those that were done after the Second World War. Okay? First World War, which सोशोलॉजिकल uh, जो भी रिलीजियस रिलीजन एज अ कल्चर को हम समझने की कोशिश किए हैं या जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क हुए हैं और uh, विश्वयुद्ध द्वितीय के बाद से जो uh, जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क किए हैं उस पर इन, इनका एक अध्ययन रहा ठीक है नो मेजर थ्योरेटिकल एडवांस हैज़ बीन मेड इन द वर्क प्रोड्यूस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेप्ट नो मेजर

या सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन के क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुए जो काम हुए वो पहले के जो लोगों ने काम किए हैं डरखाएँ मेलोनोसकी रेड ब्राउन जो लोग पहले के काम किए हैं उनका या तो रिपीटेशंस दिख रहा है हमें या थोड़ा बहुत आइडियाज़ में हेर फेर दिख रहा है ऐसे बेसिकली बहुत ठोस काम कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा गिड्स बोलते हैं सेकेंडली हिज वर्क हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर फ्रॉम सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ डरकाइम वेबर, सिगम फ्राइड एंड ब्रॉन्सलो मेलेनोवॉस्की इन इन्होंने क्या किया ना इन्होंने सबकी स्टडी की है पहले फिर जा करके अपनी कुछ अपने कुछ और काम को आगे बढ़ाया ठीक है The path Gates chooses is to develop the cultural dimensions of religious analysis. He thinks that the concept of culture has suffered a great deal because of the multiple meaning it has been given. When it becomes a put it in all concept, an umbrella concept that is everything that human beings have made and thought is culture, its analytical power is weakened, okay? हमारा काम होता है ना हम स्टडी करते हैं अम्ब्रेला थॉट से मतलब हर चीज को एक में डाल देना ऐसे काम नहीं होगा ऐसे क्या होगा कि हम एनालिटिकल स्टडी नहीं कर पाएंगे ये आ, इनका आ, सोचने का तरीका है कि इन, इनका ये आ, मतलब इनका ये मानना है कि इस तरह से जो स्टडी होगी वो वीक पड़ती जाएगी आगे चल के इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है थिक डिस्क्रिप्शन थिक डिस्क्रिप्शन और ये बहुत पूछा जाता है गेट्स का थिक डिस्क्रिप्शन तो थिक डिस्क्रिप्शन में इन्होंने पीछे चैलेंज किया है ना कि अगर हम कल्चर का उस तरह से स्टडी करेंगे तो हमें कुछ स्टडी में मिलेगा नहीं तो ये क्या बताते हैं ठीक है ये बोलते हैं कि वॉट कल्चर इज एंड हाउ इट शुड बी इंटरप्रिटेटेड स्टडीड रिटन अबाउट ठीक है इन्होंने कहा कि किस तरह से कल्चर का जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर कल्चर का हमें स्टडी करना है तो हमें किस तरह से स्टडी करना होगा किस तरह से जो उस कल्चर के जो सिंबल हैं उसमें उससे रिलेटेड जो मीनिंग अटैच है अगर हमें उससे जाना हो उसको जानना होगा तो हम कैसे स्टडी करेंगे हिज बेसिक आइडिया अ कल्चर इज अ टेक्स्ट टेक्स्ट अ मीनिंग दीज मीनिंग कैंडे कैन बी इंटरप्रिटेटेड नॉट बिकॉज दे आर यूनिवर्सल बट बिकॉज बेसिक मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल देखिए जो भी कल्चर होता है उसका अपना कोई टेक्स्ट होता है और हर टेक्स्ट की कुछ ना कुछ अपनी मीनिंग होती है तो हमारा काम क्या है कि जो पर्टिकुलर मीनिंग अटैच है उस कल्चर से अभी मैं एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगी जो गिड्स ने एग्जाम्पल दिया वो मैं आगे देके आके भी समझाऊंगी आपको अभी आप बस इतना समझते चलिए वन बाय वन कि जो मीनिंग अटैच्ड है जो भी कल्चर प्रैक्टिस हो रही है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में उसका जो भी अर्थ निहित है उस अर्थ को हमें समझना होगा ठीक है हमें उस जो भी मीनिंग अटैच्ड है वो इंटरप्रिटेट करना होगा बिकॉज दे नॉट बिकॉज दे आर यूनिवर्सल ऐसे नहीं कि वो यूनिवर्सल है इसे हमें समझना होगा यूनिवर्सल है इसलिए नहीं समझना होगा वो वहाँ के लोग जो है वो उसको शेयर कर रहे हैं मतलब अगर कोई कल्चरल प्रैक्टिस हो रही है तो वहां के लोग उस कल्चरल को प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो क्यों फॉलो कर रहे हैं क्या इसके पीछे लॉजिक है क्या साइंस है ये इंटरप्रिटेशन हमारे लिए जरूरी है ठीक है मीनिंग कैन बी स्टडीड बिकॉज दे आर इनएक्टेड Talked about and written about publicly, they are not just abstraction inside people's head. They can be very material and tangible. टेंजिबल कहा जा रहा है कि जो भी मीनिंग na wo ना वो टेंजिबल है टेंजबल मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं महसूस कैसे कर सकते हैं हम उनके प्रैक्टिस में देख सकते हैं हम उनके रोज के जीवन में देख सकते हैं इस तरह से हम वो मीनिंग को समझ सकते हैं आगे बोलते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ कल्चर आई एक्सपोज ये इनका एकदम सेम लाइन मैंने उठाया है इज इसेंशियली सिमियोटिक वन बिलीविंग विथ मैक्स वेवर दैट मैन इज अ एनिमल सस्पेंडेड इन वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंसेस ही हिमसेल्फ हैज स्पन आई टेक कल्चर टू बी दोज वेब्स एंड द एनालिसिस ऑफ इट टू बी देयर Not an experimental science in search of law, but an interpretative one in search of meaning. ठीक है ये इनकी लाइन मैंने उठाई है इन्होंने वर्ड एक यूज किया है सिमियोटिक्स। सिम्योटिक्स मतलब द एनालिस ऑफ साइन एंड सिम्बल मतलब एक कल्चर के पीछे क्या सिंबल्स हैं क्या साइन है वो कल्चर क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है इसका अध्ययन होना जरूरी है

ये यूज़ किया है गिलबर्ट राइल ने तो देखिए गिट्स का क्या स्टोरी ना कि गिट्स और इनकी वाइफ जो थी वो ये लोग गए थे बाली स्टडी करने के लिए और वहां पर कॉक फाइट हो रहा था और जो कॉक फाइट होता है ना वहां पर उस टाइम पे इलीगल था मतलब वहां के लोग उसको नहीं आ, सपोर्ट करते थे लीगली और जो लो क्लास था ना वो ज्यादातर कॉक फाइट करवाता कर था मतलब कॉक को लड़वाता था आपस में और उससे जो धन एकत्रित होता था उसको किसी काम में वो लोग लगाते थे तो गेट्स और उनकी वाइफ वहां पर घूमते हुए गए और उन्होंने वो कॉक फाइट देखा ठीक है द दिक डिस्क्रिप्शन इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल मैथड ऑफ एक्सप्लेनिंग विद विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल द रिसर्च बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस मेनी ह्यूमन एक्शंस कैन मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड गिड्स

मतलब लोग ना इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग को समझ में आ रहा था कि ये लोग तो स्टडी करने आए हैं तो इन्हें हम अपनी चीज कल्चर के बारे में क्यों बताए तभी वहां पर एकाएक पुलिस की छापेमारी होती है और वो पुलिस के लोग पकड़ पकड़ते हैं मतलब अगर ये लोग चाहते तो ये लोग बोल देते कि हम लोग तो रिसर्चर हैं हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं बट इन लोगों ने बोला नहीं ठीक है ये लोग भी लोगों के साथ भाग गए और भाग के एक घर में छुप गए जाके जब पुलिस चली वली गई तब लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया कि अब ये लगता है कि सच में हम लोग में एकदम घुल मिल गए हैं क्योंकि ये जो है ये चाहते तो पुलिस को बता करके अपना मतलब अपने निकल बचते पर ये ये भी हम लोग की तरह भागे और फिर तब लोगों ने उस कॉक फाइट के बारे में बताया कि कॉक फाइट में दो हम लोग लड़ाते हैं और उसमें पावर की बात होती है ना जिसका वो जीतेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा इस तरह से तो वहां पर जो कल्चरल प्रैक्टिस हो रही है कॉक फाइट की आपको देखने में तो लगेगा कि बस कॉक फाइट हो रहा है बट उसके पीछे पावर की बात हो रही है उसमें फीमेल नहीं शामिल होती उसमें मेल शामिल होते हैं तो यहां पर अपने पावर को स्टेब्लिश करने की बात हो रही है तो यही इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी है कि जब भी हम किसी कल्चर को देखें तो उसमें जो छुपे साइन है जो सिंबल्स हैं हम उनको जानने का प्रयास किए तो गिड्स ने ऐसे काम किया है वहां पर ठीक है जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इस चीज को इस तरह से आगे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल फ्रॉम द फिलोसिफर गिलबर्ट रायल ऑफ वाई थिक डिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट ये टर्म थिक डिस्क्रिप्शन का इन्होंने गिल्बर्ट रॉयल से लिया है तो गिल्बर्ट रायले जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसके लिए सॉरी गिलबर्ट रायले ने बताया कि थिक डिस्क्रिप्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टडी के लिए हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ विंक एंड अ इनवॉलेंट्री ट्विच ऑफ द आईलेट जो गिल्बर्ट रॉयल थे इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल से समझाया जैसे गिड्स ने कॉक फाइट से समझाया है गिलबर्ट रायल ने एक आंख फड़कने से समझाया है गिल्बर्ट रायल ने बताया कि जो एक विंग होता है मतलब मेरा आंख जो झपकता होता है झपकना होता है वो अलग चीज है और अब जब हम वॉलेंटरी करेंगे इसको अपनी इच्छा से करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा दे मे लुक द सेम सिमिलर बट वन इज मीनिंगफुलर एंड द अदर इज एन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अल स्टम लाइफ अब क्या अगर मेरा देखिये मैं आपको बता रही हूँ समझा रही हूँ तो मेरा भी आंख ऐसे ऐसे झपक रहा है बट वो इनवॉलेंट्री है ना वो बायोलॉजिकल एक्शन है हमारा कि वो अपने आप से नर्वस सिस्टम के थ्रू वो फिजिकल के थ्रू अपने आप चलता है बट अगर हम वॉलेंट्री कर रहे हैं हम किसी को देख के ऐसे 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 कर रहे हैं तो ये हमारा सोशल बिहेवियर अलग हो जा रहा है है ना टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स रिक्वायर अनवलिंग एंड आइडेंटिफाई कंटेक्स इन अदर वर्ड अथिक डिस्क्रिप्शन अब गिलबर्ट रॉयल ने बताया कि इससे हम जो हो रहा है हम इसको कॉन्टेक्स्ट के रूप में समझा सकते हैं जैसे मैं पढ़ा रही हूं और आ, आ, मैं आपको पढ़ा रही हूं और मेरा आग अब जैसे कई बार जो आग फड़कने वाली चीज है वो कॉन्टेक्स टू कॉन्टेक्स अलग हो जाता है ना एक सिंपल पढ़ाना तो एक विंक अलग तरीके से हो रहा है एक जब हम किसी से बात करते हैं और किसी को चिढ़ाना होता है तो हम ऐसा कर देते ऐसे करके उसको चिढ़ाने में लग जाते हैं वो अलग होता है अलग अलग तरह के ये होते हैं आप इसको कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो विंग ट्विचिंग के तरीके होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो एक रिसर्चर का काम है कि जो भी साइन और सिंबल्स हुए ना इस ट्विचिंग के उससे हमें पता करना है कि कभी आग फड़कने का मतलब अलग हो सकता है कभी अलग हो सकता है कभी अलग हो सकता है, हो सकता है। तो थिक डिस्क्रिप्शन मतलब तो जो लेयर्स पे लेयर्स चढ़े हुए हैं उन परतों को निकालना एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो जब भी आप कोई स्टडी करने जाए ना दीज़ ऑल आर द मेथोडोलॉजी है ना तो जब भी आप स्टडी करने जाए तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी आप कर रहे हैं जो साइन एंड सिंबल्स जो छुपे हुए हैं आप उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं और आप थिक डिस्क्रिप्शन एडॉप्ट कर रहे हैं मतलब जो भी उसके पीछे हर कारण है आप उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये थिक डिस्क्रिप्शन है Gids ने इसको बहुत सिस्टमैटिकली दिया है तो याद रखिएगा का रखेगा गिट्स ने दिया है बट लाया कहाँ से है तो गिलबर्ट रैले से इसको एडॉप्ट किया है ओके अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इन्होंने धर्म की भी रिलीजन सॉरी मतलब रिलीजन एंड धर्म तो अलग अलग चीजें हैं बट मैं यहाँ पर रिलीजन बोल रही तो उन्होंने रिलीजन के भी डेफिनेशन दिए लाइक डरखाइम का आप सभी लोगों ने रिलीजन का डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा अब देखिए गिट्स क्या डेफिनेशन दिए गिट्स बिगेन विद द डरखाइम आइडियाज ऑफ सेक्रेट विच डिफाइंस रिलीजन एंड सेट इट पार्ट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद द प्रोफेनिटी आपको पता है कि सेक्रेट और प्रोफेन का कंसेप्ट डरखाइम ने दिया है और इन्होंने uh, सेक्रेड you know, और प्रोफेन किसको बोला है डरखाइन में सेक्रेट मतलब वो वो सारी चीजें जिनसे हम अपनी दूरी बना लेते हैं मतलब हम रोज के जीवन में जिन चीजों से दूरी बना लेते हैं वो सेक्रेट है और जो हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल होती हैं वो प्रोफेन है यही तो सेक्रेट और प्रोफेन है फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेम दो कलश है एक कलश जो ईश्वर का है उससे हम रोज के जीवन में उस कलश से पानी नहीं पीते है ना तो उसको हमने दूरी बना ली मतलब कि हम अब उसको सेक्रेड मानने लगे और वही एक और कलश है जिसमें हम रोज पानी पीते हैं वो हमारे लिए प्रोफेन हो गया तो सेक्रेड मतलब असेट आ, ये कहते हैं ना सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन ठीक है तो जिससे हम अपनी दूरी बना ली है वो सेक्रेड है बाकी जो रोज की चीजें हैं वो प्रोफेन है एक ही चीज कभी सेक्रेड हो सकती है, कभी प्रोफेन जैसे वही फूल जो ईश्वर को चढ़ गया वो सेक्रेड हो गया वही फूल प्रोफेन हो गया जिसको हम अपने गजरे में लगा लिए यही है द आइडिया ऑफ सेक्रेड इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द सिंबल मेटेरियल एल्वेजल नॉन मेटेरियल अब जो सेक्रेड है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही है मैटेलिस्टिक थिंग जो भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई एंड नॉन मैटेरलिस्टिक थिंग जो हमारे मंत्र हैं जो हमारे आ, आप कह सकते हैं जो आ, जो मतलब कुरान में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सारी चीज़ें हैं तो अलग अलग रिलीजन के अपने मैटरलिस्टिक एंड नॉन मेटरलिस्टिक दोनों ही चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? फंक्शन ऑफ सिम्बल अ पीपल एथॉस एंड दे वर्ल्ड व्यू ठीक है मॉडल फॉर द वर्ल्ड अब क्या ये बात कर रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स सेक्रेट सिम्बल्स कंडीशंस ऑफ द पीपल थॉट टोन एंड टेनर ऑफ द लाइफ दे मॉरल एंड एस्थेटिक स्टाइल्स द वे इन विच दे कंस्ट्रक्ट द ऑर्डर द यूनिवर्स अराउंड डेम एंड द मीनिंग दे ऑफ़ क्या बोला जा रहा है कि पवित्र प्रतीक लोगों की सोच उनके जीवन के स्वर और भाव उनकी नैतिक और सौंदर्य शैली जिस तरह से वे अपने चारों ओर ब्रह्मांड का निर्माण और व्यवस्था करते हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए अर्थ बनाते हैं देखिए इन्होंने सेक्रेड को इस तरह से डिफाइन किया है अब रिलीजियस सिंबल्स हैव पावर डिराइव्ड फ्रॉम सम स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी विच आल्सो प्रेजेंट टू पीपल अ स्पेसिफिक कॉस्मिक ऑर्डर रिलीजन एंडेवर्स टू एडजस्ट द ह्यूमन एक्शंस टू द कॉस्मिक ऑर्डर क्या बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो मानवीय क्रियाओं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करता है कि कुछ ऐसे पावर है जो कॉस्मिक है ठीक है और कुछ ऐसी, ऐसी चीजें जो ह्यूमन एक्शंस है रिलीजन क्या करता है कि उस कॉस्मिक पावर से ह्यूमन एक्शंस को जोड़ने की कोशिश करता है यही तो हम करते हैं ना दैट आउट ऑफ देयर कलेक्टिव इमेजिनेशन ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड अ कॉस्मिक ऑर्डर सेक्रेट एंड ट्रांसिडेंटल विच दे थिंक कॉन्स्टेंटली इंफ्लुएंसिंग दैम इज नॉट अ न्यू आइडिया ठीक है earlier theories have uh, earlier theories have drawn upon a relationship between the cosmic order and human actions but git says that this has hardly been investigating from the point of view of how this is actually accomplished what we know is that is accomplished is a community's annually

सालाना साप्ताहिक या दैनिक रूप से पूरा किया जाता है मतलब अलौकिक व्यवस्था को मानव पर लाया जाता है और जिससे लोग पवित्र अलौकिक शक्ति को महसूस करते हैं और कई ऊर्जा और शक्ति के साथ तरोताजा महसूस करते हैं गिट्स ऑफर अ डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन डेट इज अब देखिए ये जो सारी बातें कही उसको गिट्स ने पॉइंट में डिस्क्राइब किया है कि क्या है रिलीजन अ सिस्टम ऑफ सिंबल विच एक्ट ठीक है मतलब रिलीजन क्या है सिंबल्स की एक व्यवस्था है अब रिलीजन जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना तो ये एक सिंबल की व्यवस्था है बहुत सारे सिंबल अटैच होते हैं पावरफुल परवेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मूड्स एंड इज इन मैन बाय फॉर्मुलेटिंग कंसेप्शन ऑफ जनरल ऑर्डर ऑफ एक्जिस्टेंस एंड क्लोजिंग की एक प्रणाली है जो कार्य करते हैं बताए है, बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं जो कार्य करते हैं व्यक्तियों में स्थापित शक्तिशाली व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले मूड और प्रेरणा अस्तित्व के सामान्य क्रम की अवधारणाएं तैयार करना इन अवधारणाओं को तथ्यात्मक की ऐसी आभा से सुसज्जित करें ताकि मनोदशाएं और प्रेरणाएं विशिष्ट रूप से यथार्थवादी लगने लगे क्योंकि अब तक जो लोगों ने काम किया वो रिलीजन मतलब ह्यूमन एक्शंस को कॉस्मिक से सीधे जोड़ने की कोशिश की पर इनका कहना है कि जो भी रिलीजन में सिंबल्स हैं सिंबल्स जो अटैच्ड है सिंबल्स की जो मीनिंग है सिंबल क्या शो कर रहा है क्या प्रदर्शित कर रहा है उसे समझना हमें हमारी जिम्मेदारी है अगर हम उसे समझ लग गए तो यही एक्चुअल uh, मतलब होगा हमारे स्टडी का तो ये थिक डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट और रिलीजन का कंसेप्ट गिड्स ने दिया है तो लंबा टॉपिक था तो इसको हम यहीं पर हम लोग रोकते हैं फिर किसी वीडियो के साथ मैं आपसे जरूर मिलूंगी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा गिड्स से जब भी क्वेश्चन आएगा वो इसी छोटे छोटे पॉइंट से आएगा तो आप इसको समझ लीजिए एक्सप्लेन करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं चलिए फिर वीडियो अगले वीडियो से आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगी आप सभी को मेरा नमस्कार प्यार